नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका परमार्थ आवाज न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। खबर मधेपुरा से है, जहां विधानसभा से महागठबंधन उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के समर्थन में वरीय नेता दिनेश ऋषिकेश एवं राजनंदन यादव लगातार कई दिनों से गैलाड प्रखंड के गांव-गांव जाकर लालटेन छाप पर बटन दबाकर अपार मतों से विजयी बनाने की अपील कर रहा है। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। इस दौरान झटकिया पंचायत के पथराहा महादलित टोला, बरदाहा पंचायत के मुसहरी राम टोला, चकला मुसहरी, झटकिया पंचायत के जयपुरा महादलित टोला, बुद्धनगर महादलित टोला, भतरंधा पंचायत के जागीर मुसहरी घोपा महादलित टोला, परमानपुर महादलित टोला, महुआ टोला, अर्राहा महादलित टोला, दीघरा महादलित टोला, घैलाड़ महादलित टोला, वासुदेवा, इठारी, रतनपुरा महादलित टोला आदि जगहों पर घूम घूम कर लोगों ने समर्थन मांगा। दलित नेता दिनेश ऋषिदेव जी ने कहा, महादलित के हक और अधिकार के लिए सरकार को बदलें, ताकि सभी महादलित के लिए अलग से सरकारी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके, ताकि गरीबों को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। युवा नेता राजनंदन यादव ने कहा, महागठबंधन सरकार बनते ही सबसे पहले युवाओं के लिए पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी के साथ साथ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी। इसलिए महागठबंधन के उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी के लालटेन छाप पर बटन दबाकर अपार मतों से जिताएं। इस अवसर पर कार्यक्रम में इंदल सादा, श्रीकांत यादव, लालू कुमार, इम्तियाज आलम, भीखो राम, महेंद्र सादा आदि उपस्थित थे। तो फिलहाल की कुछ बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज न्यूज। नमस्कार।